मैं टैक्सी चला के इतना एरोटिक फिल्म करके इतना मेहनत करके बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए कर रहा हूँ ना। अगर किसी के साथ मॉलेस्ट हो गया, रेप हो गया, वो बताना कठिन है, लेकिन कोई छेड़ रहा है, किसी ने कुछ आंख मारा, वो बताना इजी है ना। कैसे बड़े होते हैं, कब क्या होता है, तो ऐसे धीरे धीरे ना सेक्स का नॉलेज तो बढ़ना ही चाहिए। मैं एडल्ट फिल्म इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों का भविष्य सुधार सकूं। मैं देखता हूँ, मैं एरोटिक सीरीज देख रहा हूँ, मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं आया कि चलते चलते किसी लड़की को छेड़ दिया, ये कर दिया। यही बात आप फिल्म वाले को बोलते हैं, निपोटिज्म मत फैलाओ। अब मैं एरोटिक करो तो मेरे बच्चे गंदी फिल्में करें। वो दिमागी तौर पे ना वो कहीं ना कहीं बीमार रहते हैं लोग, जो मर्डर भी करते हैं और जो सेक्स भी करते हैं। इंडिया में आज भी जो है सेक्स एजुकेशन को बहुत हीन दर्जे से देखा जाता है। माता पिता या टीचर्स बात करने में बच्चों से इस मामले में झिझकते हैं। तो आप मानते हैं कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन होना बहुत जरूरी है? देखो, जरूरी तो है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि तुरंत। मेरा ऐसा मानना है कि आज से अगर हम बोलना चालू करेंगे, जैसे हम लोग दसवीं में थे तो एग्जाम होता था सेक्स, मतलब एग्जाम बोल रहा हूँ, टीचर आते थे सेक्स वाले अलग, वो पढ़ाते थे, उसके बारे में जानकारी देते थे कि कैसे बड़े होते हैं, कब क्या होता है, तो ऐसे धीरे धीरे ना सेक्स का नॉलेज तो बढ़ना ही चाहिए। और अभी तो जानकारी होती जा रही है ना। मेरा ऐसा मानना है कि अब इंटरनेट के ज़माने में है, चीज़ें बहुत ईजी हो गई है, तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा धीरे धीरे सब समझदार होंगे, क्योंकि लोग समझदार हो गए, ये ज्यादा चीजें चलेगी नहीं ज्यादा दिन तक। आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में जो है, बच्चे ऐसी चीजों के बारे में अपने माता पिता से बात नहीं कर पाते। मान लीजिए कहीं उनके साथ छेड़खानी भी होती है तो अपनी माता पिता से कह नहीं पाते हैं। तो क्या लगता है इस बारे में, क्या सोचना है सर आपका, कि क्या लगता है आपको कि ऐसे कंटेंट देख करके उनके मन में एक जागरूकता आएगी, कुछ आएगा कि वो अपनी बातों को अपने पेरेंट्स से कह सके आगे जाने वाले? जागरूकता तो नहीं आएगी। देखो, इसको जागरूकता के साथ जोड़ ही नहीं सकते यार। वो आप जो बोल रहे, एक अलग मैटर है वो, कि किसी ने किसी के साथ कोई छेड़खानी करी तो वो निडर होकर अपने घर वालों को बताए। तो सबसे पहले मेरा ये बोलना है कि माता पिता को अपने बच्चों पे पूरी नज़र रखना चाहिए, हर हाल में एकदम पैनी नज़र रखना चाहिए कि वो घटना किसी भी कीमत पर हो ही ना। उनको हर टाइम अपने बच्चों का ध्यान देना चाहिए, कहाँ जा रहे, किससे मिल रहे, कि एकदम लापरवाह नहीं हो ना, कि अगर कोई घटना हो गई तो फिर सबसे पहली बात है कि अगर वो नज़र रखेंगे तो घटना कभी होगी नहीं, तो इसके लिए सतर्क रहे। और दूसरी बात ना, बच्चों को थोड़ा फ्री रखे कि ऐसा कुछ हो जाए उनसे ऐसी बात करें कि कुछ पूछते भी रहे ना, कि वो कुछ दोस्त जैसा माहौल रखे कि उसके साथ कुछ घटे भी तो बोल दे तुरंत ही। ऐसा देखो, कुछ भी चीज़ अगर छोटी छोटी चीज़ों से, मेरा ऐसा मानना है, चीज़ें स्टार्ट होती है फिर वो मोलेस तक पहुँचती है। तो अगर हम नजर रखेंगे छोटी चीजों से, तो पहली बात वो मोलेस तक बात नहीं पहुंचेगी, हम वहीं उसको बीच में दबा देंगे। और दूसरी बात है, अगर हम अपने बच्चों से दोस्ताना माहौल रखेंगे तो वो छोटी चीज अगर कोई उसके साथ कर रहा है तो तभी वो बता देगा, और वो छोटी चीज बताना ईजी है। अगर किसी के साथ मोलेस्ट हो गया, रेप हो गया, वो बताना कठिन है, लेकिन कोई छेड़ रहा है, किसी ने कुछ आंख मारा, वो बताना इजी है ना, किसी ने हाथ लगाया, तो वो कब होगा कि दो बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल होना चाहिए, उनको इतना फ्री रखे, उनको इतना छूट दें कि उनके साथ, उनको ऐसा विश्वास दिलाए कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरे साथ कुछ होगा तो मुझे बताए, और अपने बच्चों पर पूरी नज़र रखे कि वो कहाँ जा रहे, किससे मिल रहे, एकदम अंधा विश्वास ना करे, जिससे ये नौबत ही ना आए। मान लीजिए कल को आपने कहा, चार बच्चे हैं सर, आपके किसी बच्चे ने कहा कि पिताजी मुझे भी इस इंडस्ट्री में काम करना है, एडल्ट फिल्मों में काम करना है, आप राजी हो जाएंगे? मेरा ऐसा मानना है कि मेरे बच्चे कभी मानेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं रात दिन घर पे यही बोलता हूँ कि मुझे निकलना है, संघर्ष है, संघर्ष है। और मैं संघर्ष इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे ये सब ना करें ना यार, उनको अच्छी फिल्में करवाऊंगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए, अभी अच्छी फिल्में भी तो करूंगा मैं, तो मेरे बच्चों को लॉन्च क्यों नहीं करूंगा मैं? मैं एडल्ट फिल्म इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों का भविष्य सुधार सकूं मैं, और ये मेरे बच्चों को भी पता है, तो मैं उनका भविष्य सुधारूंगा, उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, क्यों करेंगे यार ये सब? कि आप नहीं जाने देंगे उनको? मैं नहीं, नहीं, अगर उसको जाना है तो जाए, लेकिन मुझे अपने बच्चों पे भरोसा नहीं जाएंगे यार, जब पता है कि मेरा बाप निकलने के चक्कर में, तो क्यों जाएंगे वो, ये कौन सी बात हो गई, मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूँ यार? मैं टैक्सी चला के इतना एरोटिक फिल्म करके इतना मेहनत करके बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए कर रहा हूँ ना। और यही बात आप फिल्म वालों को बोलते हैं, निपोटिज्म मत फैलाओ। अब मैं एरोटिक करो तो मेरे बच्चे गंदी फिल्में करें, और जो फिल्म कर रहे हैं उनके बच्चे ना करें, क्या बात है यार, ये कौन सी बात हो गई? मैं एरोटिक फिल्म कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं अपने बीवी बच्चों का भविष्य सुधार सकूँ, कल को वो अच्छी फिल्में करें, अच्छा काम करें, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ ना मैं। और मेरे बच्चे पागल है कि ये फिल्म करेंगे? मैं तो दूसरों को बोल रहा हूँ कि यहाँ मत आओ भाई, मैं तो मजबूरी में कर रहा हूँ, मैं स्ट्रगलर हूँ ना। ऐसे बहुत सारे केस आए हैं सर, जो मैंने, मेरी नज़र में भी आए हैं, कि जहाँ पर ऐसा बोला गया है कि किसी ने किसी की हत्या कर दी क्राइम पेट्रोल से सीख करके, किसी के मन में उसने एडल्ट फिल्म देखा, उसके मन में कौमुकता जागी, उसी ने किसी लड़की के साथ बलात्कार कर दिया। क्या इसकी जिम्मेदारी एक डायरेक्टर होकर, एडल्ट फिल्म के डायरेक्टर होकर आप खुद पर लेते हैं या अपनी इंडस्ट्री पर लेते हैं कि हाँ भाई कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी है?
देखो मैं जिम्मेदारी इसलिए नहीं लेता, अब मेरा एक बताओ कि क्राइम पेट्रोल कितने सालों से चल रहा है और कितने मर्डर हो गए? नहीं कितने मर्डर हो गए? बहुत मर्डर हो गए, बिल्कुल बहुत। अरे यार गिनती में हो गए, क्राइम पेट्रोल पे जी, गिनती में हो, क्राइम पेट्रोल में। देखो क्राइम पेट्रोल को देख के कितना आपने खबर सुना, अरे दो तीन साल में एक सुनता होगा ना यार। तो वो जो आदमी है उसके दिमाग में गलत है। मेरा ये बोलना है कि अगर मैं क्राइम पेट्रोल देख रहा हूँ, मैं तो खून नहीं कर रहा, तो मैं अपने आप को गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं देखता हूँ, मैं एरोटिक सीरीज देख रहा हूँ, मेरे मन में तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि चलते चलते किसी लड़की को छेड़ दे, ये कर दिया, तो मेरे मन में नहीं आ रहा ना ये। वो दिमागी तौर पर ना वो कहीं ना कहीं बीमार रहते हैं लोग, जो मर्डर भी करते हैं और जो सेक्स भी करते हैं, उनको समाज में रहने लायक अधिकार ही नहीं है। अगर यार जो टीवी देख के, पिक्चर देख के खून करने लगे, मर्डर करने लगे, रेप करने लगे, तो ऐसे लोगों को समाज में रखने की जरूरत नहीं है, उनको तो फांसी पे लटका देना चाहिए। आप बिल्कुल मानते कि ये इसमें भाई इन सब चीज का कोई रोल नहीं, खाली मानसिकता उनकी खराब है। देखो देख तो सब रहे, अगर इनका रोल होता तो हर जगह मर्डर होता, हर जगह रेप होता, ऐसा मैं मान रहा हूँ, फिर चलना फिरना मुश्किल हो जाता। अगर कोई कोई कर रहा है तो वो बीमार है।